नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कार के अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की शुरुआत अश्विनी माह के प्रतिपदा के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है। नवरात्रि का पहला दिन अर्थात दोस्तों अश्विनी शुक्ल की प्रतिपदा को घट की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के दौरान प्रतिपदा तिथि अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है। दिन दोस्तों घर घर माता का आगमन होता है और अष्टमी और नवमी को कन्याओं की पूजा करके मां की विदाई की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे साल 2022 में शारदीय नवरात्रि कब है और दोस्तों कब से शुरू होगा और कब इसका समापन होगा। इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि घट स्थापना की तिथि और समय शुभ मुहूर्त कब रहेगा। हाँ, अष्टमी महानवमी और दशहरा कब है, दिन दिनांक समय व तिथि क्या रहेगी। दोस्तों, साल 2022 में शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 26 सितंबर को होगा और 4 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो घट स्थापना की जो दिन रहेगा वो 26 सितंबर दिन सोमवार को घट स्थापना मुहूर्त जो है दोस्तों 6:11 से 7:51 तक, इसकी कुल अवधि जो है दोस्तों वो 1:40 है। घट स्थापना अभी जीत मुहूर्त जो है वो 11:48 से 12:36 तक, इसकी कुल अवधि 48 मिनट की है। प्रतिपदा तिथि जो प्रारंभ होगी 26 सितंबर 3:23 पर। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वो 27 सितंबर को 3:08 पर। दोस्तों, महाअष्टमी है 3 अक्टूबर दिन सोमवार को। अष्टमी तिथि जो प्रारंभ होगी वो दोस्तों 2 अक्टूबर 2022 को 6:47 पर। अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वो दोस्तों 3 अक्टूबर को 4:37 पर। दोस्तों, महानवमी जब प्रारंभ होगी वो 4 अक्टूबर को दिन मंगलवार, नवमी तिथि प्रारंभ 3 अक्टूबर को 4:37 पर। दोस्तों, नवमी तिथि की समाप्ति जो होगी वो 4 अक्टूबर को 2:20 पर। तो वही जो दशहरा है वो 5 अक्टूबर को बुधवार को हो। दशमी तिथि दोस्तों जो प्रारंभ होगी वो 4 अक्टूबर को 2:20 पर। तो वही दशमी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 5 अक्टूबर को 12:00। दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।